आसानी से फैलता है। तो इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बस व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए। इसके अलावा? और उससे जो है नज़दीक जा कर के बात नहीं करनी चाहिए। मतलब आया था चाइना से, इसकी वजह मोटा मोटी जो भी है ये फेमस हो गए हैं। कैसे कुछ वैज्ञानिकों का ही बताते हैं, उधर अंदर से ही किसी शोध से एक टीवी में दिखाया था। हाँ जी। कि वहाँ कोई शोध कर रहे थे किसी चीज़ पे ना, तो उसमें से कुछ निकला है जो वहाँ पे तरह तरह के जीव और जंतुओं को खाते हैं, सबसे ज्यादा तो उसी से फैला है। हाँ जी, बहिष्कार कर दिया, हम चाहते ही नहीं चाइनीज सामान खरीदना। जो कच्चा मांस खाने का कुछ नहीं आ रहा है, अभी इंडिया में क्या करेंगे हम लोग, तो कच्चा मीट वगैरह थोड़े दिन के लिए अवॉइड। पापा वगैरह भी बोल रहे हैं कि कपूर वगैरह से इसका इलाज हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा है। पता नहीं, हम तो गांव में रहते हैं। आपको मालूम नहीं है? मालूम नहीं, ये बीमारी क्या है? चाहिए हमें क्या लगाना चाहिए बचाव के लिए? एक तो मास्क लगाना चाहिए, मास्क क्या है ना, मुंह पे जो लगाते हैं, दस्ताने पहनने चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, जब हमने लोगों से बात की कोरोना वायरस के बारे में, तो पहला शब्द जो उनकी जुबान पे आया वो था चाइना। और उसके बाद अपने अपने बचाव के तरीके, अपने अपने इलाज के तरीके, इतने सारे मिथ्स, गलत धारणाएं और हजारों कहानियां। और आप भी तो जब टीवी ऑन करते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे, तो कोरोना वायरस को लेकर इतनी सारी गलत और सही चीजें आपको बताई जा रही है, एक भय का माहौल पैदा करते जा रहा है। आंकड़े कहते हैं कि अभी तक 95 देश 95 कंट्रीज कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इंडिया में 39 केसेस अभी तक कोरोना वायरस के आ चुके हैं। माना कि परिस्थितियां बहुत ही चिंताजनक हैं, बहुत ही विषम हैं, बहुत ही कठिन हैं, लेकिन इसका बचाव बहुत ही आसान है। आप और हम मिलके इस कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं। कोई भी जब कोरोना वायरस के बारे में सुन रहा है तो ये 4 सवाल उसके दिमाग में जरूर आ रहे हैं। और ये 4 सवाल क्या हैं? कोरोना वायरस है क्या? और ये आया कहां से? कहीं ये मुझे हो गया तो? अगर ये बीमारी मुझे हो गई तो पता कैसे चलेगा? इसके लक्षण यानी सिम्टम्स क्या है? जिस रफ्तार से बीमारी फैल रही है, अरे भाई इसका कोई इलाज है या नहीं? अगर इस बीमारी का बचाव कर लिया तो इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका बचाव है क्या और करें कैसे? तो इस कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2019 वुहान सिटी चाइना, जहां पर निमोनिया के कुछ केस सामने आए और ये देखा गया कि इस बार जिस वायरस ने अटैक किया है वो पहले से जाना पहचाना नहीं है, इसलिए इस वायरस का नाम दिया गया नोवल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अपने आप में एक बहुत बड़ा वायरस ग्रुप है और इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है वो क्राउन के जैसा होता है और लैटिन में क्राउन को कोरोना कहते हैं, इसलिए इस वायरस का नाम पड़ता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आमतौर पर श्वास संबंधी, रेस्पिरेटरी या पेट संबंधी बीमारियां करता है, लेकिन कई बार कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है। जैसे 2003 में सार्स कोरोना वायरस जो कि चाइना में आया था और इसका मोर्टेलिटी रेट था 9.6%। उसके बाद 2012 में मर्स कोरोना वायरस जो सऊदी अरेबिया में आया था और उसका मोर्टेलिटी रेट था 34.4%। और जो नोवल कोरोना वायरस है उसका मोर्टेलिटी रेट है 3-4% अभी तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका फैलाव बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको फैलने से रोकना बहुत जरूरी है। आखिरकार ये वायरस आया कहां से? तो जो निमोनिया के केस वुहान सिटी में सामने आए थे उनका सीधा संबंध लाइव एनिमल मार्केट या फिर सी फूड मार्केट से देखा गया और ये पता चला कि वहां से ये वायरस उनके फैमिली मेंबर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स में फैला। आमतौर पर कोरोना वायरस जानवरों में पाया जाता है, लेकिन कई बार इस वायरस में म्यूटेशन होने की वजह से या फिर इंसानों और जानवरों का कॉन्टेक्ट या मेल जोल ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये वायरसेस जानवरों से इंसानों में आ जाता है। इसको कहा जाता है स्पिलओवर। ऐसा ही कुछ हुआ था 2003 में चाइना में सार्स कोरोना वायरस सिविट कैट से इंसानों में आया था और 2012 में मर्स कोरोना वायरस कैमल से इंसानों में आया था। लेकिन अभी नोवल कोरोना वायरस किस जानवर से आया है या क्या इसका ओरिजिन है, इसके कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं। हाँ,
साक्षी। तो जिन सिम्टम्स की हमने बात की वो तो बदलते मौसम में किसी और वजह से किसी को भी हो सकता है। तो क्या उस व्यक्ति को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसको है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन? इसका एक क्राइटेरिया है। दो टाइप के केस होते हैं, एक होता है सस्पेक्टेड केस, एक होता है लेबोरेटरी कंफर्म्ड केस। सस्पेक्टेड मतलब हो सकता है। तो किसको हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति जिसको ये सिम्टम्स है और साथ में पिछले 14 दिनों में वो चाइना या किसी ऐसे देश जहां पर ये वायरस लोकली ट्रांसमिट हो रहा है, फैल रहा है, वहां पर रहकर या घूम कर आया है। कोई पेशेंट या हेल्थ केयर वर्कर जिसको ये सिम्टम्स है और उस वो पिछले 14 दिनों में कंफर्म्ड कोरोना वायरस केस के साथ कॉन्टेक्ट में आया है, तो वो भी एक सस्पेक्टेड केस बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार के साथ खांसी या सांस लेने में तकलीफ है और वो हॉस्पिटलाइज हुआ है और कोई और कारण समझ नहीं आ रहा है उसकी बीमारी का, तो वो एक सस्पेक्टेड केस बन जाता है। तो लेबोरेटरी कंफर्म्ड केस कौन सा है? वो जो उसको रियल टाइम पीसीआर में कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आएगा, वही कोरोना वायरस का कंफर्म्ड केस है। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम है और ट्रेवल हिस्ट्री है या आप कोरोना वायरस पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आए हैं, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो आपको आगे गाइड कर देंगे। तो कोरोना वायरस फैलता कैसे है? ये फैलता है पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब हम खांसते हैं या छींकते हैं, तो वो जो हवा में बूंदे हैं वो उस पर्सन के कॉन्टेक्ट में, जब आप खांसते हैं और छींकते हैं तो एक सतह पर जब वो बूंदे जाकर टिकती हैं और कोई व्यक्ति उस सतह को टच करता है या छूता है और फिर उसी हाथ को अपनी आंख, नाक या मुंह पे टच करता है, तो भी ये वायरस हमारी बॉडी में चला जाता है। तो जब इसका फैलना इतना सिंपल तरीके से है, तो इसका बचाव भी उतना ही सिंपल है। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, बचाव। खुले में खांसते या छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू को क्लोज्ड डस्टबिन में डाल दें। टिश्यू ना होने की स्थिति में अपनी बाजू का इस्तेमाल करें। हाथ धोने के लिए अल्कोहल बेस्ड रब या साबुन का इस्तेमाल करें। खाना खाने से पहले एवं खाना खाने के बाद, किसी भी कोमल सतह को छूने के बाद, जानवरों के साथ समय बिताने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति से हाथ मिलाने के बाद, अपने आँख, नाक एवं मुंह को छूने से पहले हाथ जरूर धोएं। आइए अब जानते हैं हाथ धोने का सही तरीका। साबुन को आगे वाले हाथ में रखने के बाद अच्छे से रगड़ें, फिर पीछे वाले हाथ को अच्छे से साफ करें, फिर उंगलियों के बीच के हिस्से को अच्छे से साफ करें, फिर उंगलियों के अगले वाले हिस्से को अच्छे से रगड़ें, फिर अंगूठे को साफ करें, फिर उंगलियों को हथेली पर रखकर साफ करें, उसके बाद कलाई को साफ करें और टिश्यू से साफ करने के बाद नल को बंद कर दें। सही तरीके से हाथ धोना बहुत आवश्यक है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप ट्रिपल लेयर N95 या N99 कोई भी मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क पहनते वक्त कभी भी अंदर के हिस्से को ना छुएं। सबसे पहले पूरे मुंह को मास्क से कवर करें, उसके बाद नीचे वाले स्ट्रैप को सबसे पहले डालें, उसके बाद ऊपर वाले स्ट्रैप को पहनें। नाक के पास कठोर वाले भाग को अच्छे से दबाएं, हवा के लीकेज के लिए चेक करें। उतारते वक्त मास्क के आगे वाले हिस्से एवं अंदर वाले हिस्से को ना छुएं, स्ट्रैप से उतारें, उसके बाद क्लोज डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दें और हाथ धोएं। मास्क का मिसयूज या ओवरयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मास्क को लेकर WHO का ये रिकमेंडेशन है कि आप मास्क का इस्तेमाल तभी करें जब आपको खांसी, जुकाम, छींकें, बुखार या आप बीमार महसूस कर रहे हैं, या फिर अगर आप हेल्दी हैं और किसी बीमार व्यक्ति की देखरेख कर रहे हैं या फिर कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट की देखरेख कर रहे हैं, तभी आप मास्क का इस्तेमाल करें। बीमार व्यक्ति के ज़्यादा समीप ना जाएं, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें।
बीमार व्यक्ति की देखभाल करते समय खुद का भी बचाव करें। 1 मीटर की दूरी बनाएं, साथ में हैंड हाइजीन, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। बाहर की वस्तुओं को छूने के बाद अपनी आंख, नाक और मुंह को ना दें। हाथ मिलाने से बेहतर है हाथ बचाएं और नमस्कार करें। हल्का बीमार होने की स्थिति में घर पर ही आराम करें, बाहर ना निकलें। चिकन खाने को लेकर बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि चिकन या मीट खाने से कोरोना वायरस फैलता है। हाँ, आप जब भी चिकन या मीट खाएं उसको अच्छे से धोएं और अच्छे से पका कर खाएं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन का कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन या दवाई इसके लिए अभी तक नहीं बनी है, लेकिन ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेशेंट जैसा सिम्टम लेके आता है तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि जैसा सिम्टम है उसी हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इलाज को लेके बहुत सारी अफवाहें और गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं, उसके बारे में भी हम अच्छे से बात करें। तो अब बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर फैलाए जा रहे मिथ, अफवाहों और धारणाओं के बारे में। सबसे पहला कि बहुत ठंडा या बहुत गर्मी में ये वायरस खत्म हो जाएगा, या फिर ठंडे पानी या बहुत गर्म पानी से नहा लेने से ये वायरस खत्म हो जाएगा। जबकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है, तापमान जो हमेशा ही 36.5 से 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। दूसरा कि चाइना या फिर वो कंट्री जहां पे ये वायरस फैल चुका है उसका सामान छुएं, खरीदें या नहीं खरीदें, ये बात सच है कि ये वायरस सतह पर कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन ट्रैवलिंग में हो सकता है वो सरफेस पे वो ना हो। फिर भी एहतियात के तौर पर आप उस सरफेस को साफ कर सकते हैं और अपने हाथों को भी अच्छे से धो सकते हैं। तीसरा कि पूरे शरीर पे अल्कोहल, शराब या फिर क्लोरीन रगड़ लेने से वायरस हमारे अंदर नहीं जाएगा, ये धारणा भी बिल्कुल गलत है, इसके भी कोई सबूत हमारे पास नहीं। अल्ट्रावायलेट लैंप या हैंड ड्रायर में हाथ सुखाने या शरीर को रखने से आपके अंदर कोरोना वायरस नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल ही गलत है। और हो सकता है आप अल्ट्रावायलेट लैंप के नीचे ज्यादा देर रहें तो आपके हाथ या शरीर पे स्किन इरिटेशन हो जाए। ये पूछा जा रहा है कि जो घर के पालतू जानवर हैं उनको छुएं कि नहीं छुएं, कहीं उनसे तो नहीं आ जाएगा। इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है कि पालतू जानवरों से ये वायरस इंसानों में आ रहा है। आप जब भी अपने पालतू जानवर को छुएं या उसको खाना दें, उससे पहले और उसके बाद अपने हाथ जरूर धो लें, क्योंकि दूसरे इन्फेक्शन उनसे आ सकते हैं, साल्मोनेला और ईकोलाई बैक्टीरिया वाले। लहसुन या फिर हल्दी अगर हम इस्तेमाल करें खाने में ज़्यादा, तो ये वायरस हमारे अंदर नहीं आएगा। इसके भी हल्दी और लहसुन के दूसरे अपने फायदे हैं, लेकिन वायरस को लेकर इसके कोई सबूत हमारे पास नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि जो वैक्सीन निमोनिया के अगेंस्ट काम कर रही है वो इसके अगेंस्ट भी काम करेगी, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी काम कर रही है। कुछ लोगों का मानना है कि हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं क्या? एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए होती है, वो वायरस के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम नाक में सेलाइन वाटर डालें तो वायरस हमारे अंदर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इन सबके मुकाबले आपका हाथ धोना और पर्सनल प्रोटेक्शन यूज करना ही आपका सबसे अच्छा बचाव और इलाज है।